नमस्कार फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे जो नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहु और शुक्र की सप्तम हाउस में जब भी युति होती है तो उसके क्या रिजल्ट जातक को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक हॉरोस्कोप ली गई है जो कि मेष लगन की है। आपकी हॉरोस्कोप किसी भी लगन की हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर अगर आपके शुक्र और राहु सात नंबर वाले कॉलम में हैं, सात नंबर वाले खाने में हैं, तो आपके शुक्र और राहु की युति है। नंबर कुछ भी हो सकता है, आपके इस खाने में शुक्र और राहु दोनों साथ होने चाहिए। तो यहाँ पर बात करेंगे शुक्र और राहु का सप्तम हाउस में युति होने पर इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर दोनों की युति होने से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं और एक से ज़्यादा शादियाँ हो सकती हैं। जातक की जो शादी है वो एक से ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा यहाँ शुक्र और राहु के होने से कई बार बहुत जल्दी कुछ मिलता है, मतलब पैसे वगैरह, ह्यूज गेन और सडन लॉस हो सकता है। यानी आप जो लॉस है जातक को, वो भी जल्दी से कहीं हो सकता है। किसी बिजनेस में अगर जातक है तो उसमें बहुत जल्दी उसको लॉस भी हो सकता है, बहुत जल्दी कुछ लाभ भी मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो राहु आते हैं अगर शुक्र के साथ में, तो ये काफ़ी मजबूत आपको एक डिज़ायर देते हैं, बहुत एक्सट्रीम डिज़ायर देते हैं आपको लव और सेक्स के लिए। इसके अलावा यहाँ पर शुक्र और राहु की युति है वो अच्छी नहीं मानी जाती। अगर ये फ्रेंडली साइन में नहीं है तो आपको काफ़ी बुरे रिजल्ट मिलने की संभावना पूरी पूरी है, और अगर फ्रेंडली साइन में है तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देती है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर जब भी सेवन्थ हाउस में ये युति बनती है तो शुक्र है वो पुरुष के लिए शादी का कारक होता है, तो राहु है वो यहाँ की चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा देता है, यानी एक्सपांड कर देता है। ऐसे जातक के बहुत से रिलेशनशिप हो सकते हैं, एक से ज़्यादा लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। इसके अलावा इंटरकास्ट मैरिज के चांसेस बनते हैं, और हो सकता है कि जो स्पाउस है वो कहीं फॉरेन का या बहुत किसी दूर के स्थान का हो। इसके अलावा यहाँ पर जब भी शुक्र और राहु आते हैं तो हो सकता है कि जातक का जो स्पाउस है वो बहुत सुंदर हो, और फॉरेन ट्रेवल और फॉरेन के चांसेस भी यहाँ से बनते हैं। अगर अन्य योग हैं तो फॉरेन ट्रेवल निश्चित रूप से बनता है। इसके अलावा थोड़ा जो लव के मामले, थोड़ा सेल्फिशनेस रह सकती है दोनों में ही। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है जो बढ़ा देते हैं, इच्छा बढ़ा देता है, यानी सेवन्थ हाउस की जो चीज़ें हैं उसमें राहु आके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जातक को एक संतुष्टि नहीं देता, तो उस वजह से जातक है वो कहीं ना कहीं जो सेवन्थ हाउस की चीज़ें हैं उनके प्रति ऑब्सेस्ड हो जाता है और फिर वो अपना कंट्रोल है वो खो देता है। तो यहाँ पर जब भी ये दोनों साथ आते हैं तो काफ़ी दिक्कतें पैदा करते हैं जातक के लिए। किसी भी जातक को अपने आप पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जब भी शुक्र का संबंध है वो यहाँ पर शुक्र के आने से लग्जरी से, नेम फेम से होता है। और सेवन्थ हाउस वैसे स्पाउस का भी है, पार्टनरशिप का भी है, हमारे कॉन्टेक्ट्स का भी है, हमारे बॉन्ड्स का भी है। तो यहाँ पर एक पैशन मिल जाती है, जातक को एक पैशन देता है राहु यहाँ आने के बाद, तो पार्टनरशिप के लिए पैशन देगा। और मित्र राशि का है तो आपकी जो स्पाउस है, आपका जो भी स्पाउस है वो काफ़ी अच्छा होगा दिखने में, उसका लुक बहुत ही अच्छा होगा। और अगर इनेमी साइन में है, अगर दोनों ही इनेमी साइन में है या इनमें से कोई एक भी अगर इनेमी साइन में है, शत्रु राशि में है, तो काफ़ी बुरे रिजल्ट भी मिल सकते हैं। इसके अलावा जातक है वो अपने स्पाउस से सेटिस्फाई नहीं होकर किसी और की तरफ यहाँ पर झुक जाता है, और राहु के यहाँ होने से काफ़ी जो रिजल्ट हैं वो एक्सपांड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। जातक किसी भी मामले में, बिजनेस हो चाहे कोई और काम, उसमें जातक को संतुष्टि नहीं मिल सकती। और बिजनेस के मामले में जातक को यहाँ पर जो राहु आता है शुक्र के साथ में, तो ये एक रिस्क टेकर बना देता है। राहु जातक को ऐसे बना देता है कि जातक कोई भी जोखिम वाला कदम बिजनेस में उठाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है, अगर इनेमी साइन में राहु है तो वो बिजनेस में सक्सेस उतना नहीं देगा। इसके अलावा यहाँ पर जो राहु होगा वो आपके थर्ड हाउस को, इलेवंथ हाउस को और फर्स्ट हाउस को देखेगा। थर्ड हाउस को देखने की वजह से हो सकता है जातक
कुछ सिनेमा वगैरह या थिएटर या कुछ कम्युनिकेशन के फील्ड में या आर्ट्स के फील्ड में, इस तरह की कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है। इसके अलावा 11th हाउस को जब भी राहु यहाँ से एस्पेक्ट करता है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और काफ़ी जो फायदे हैं, जो सडन गेन हैं, वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा काफ़ी एक ये जो प्लेसमेंट है ये काफ़ी हाई सोशल स्टेटस दिलाती है और जातक है वो एक फेमस होता है, कहीं ना कहीं वो अपनी सोसाइटी में या अपने जो देश या अपने राज्य में काफ़ी फेमस होता है ऐसा जातक। अगर ये युति आपके फ्रेंडली साइन में बन रही है दोनों की तो काफ़ी अच्छी रहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।